हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट्स ऑफ 3 बाई 3। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस शब्द को समझते हैं, 3 बाई 3 का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये आपके डिटरमिनेंट के ऑर्डर को बताता है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, यानी इसमें आपकी कितनी रो है और कितने कॉलम हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, पहले पोजीशन को नंबर ऑफ रो से, दूसरे पोजीशन को नंबर ऑफ कॉलम से लिखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, आड़ी लाइन को रो कहते हैं, 3 है, और कॉलम भी इसमें कितने हैं, 3। तो ये क्या बन गया, 3 बाई 3। बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम कुछ चिन्हों को काम में लेते हैं। इन चिन्हों को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो चिन्हों की मैट्रिक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे काम में लेंगे, उसको समझते हैं। इसको हल करने के हमारे पास 1 2 3 तरीके ये हो गए। रो के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपांड कर दें तो आपका सोल्व हो जाएगा। 3 हो गए आपके कॉलम, 1 2 3, 3 प्लस 3 टोटल कितने, 6 तरीके हो गए। तो अभी हम इसको पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में सोल्व करने वाले हैं, यानी इसको ओपन करने वाले हैं। तो हम कौन से चिन्ह को फॉलो करेंगे जो यहाँ आपकी पहली रो के जगह लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके चिन्ह को देखते हैं क्या चिन्ह लिखा हुआ है। प्लस, यहाँ पहला एलिमेंट कौन है, 1। इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट, बीच में चिन्ह कौन सा है, येलो सर, माइनस। यहाँ एलिमेंट कौन है, 1। इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट, लास्ट में चिन्ह कौन सा है, आपका प्लस का चिन्ह है, येलो सर, प्लस का चिन्ह। और यहाँ एलिमेंट कौन है, आपका -2। इसके साथ आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इन डिटरमिनेंट जो यहाँ पे मैंने साइड में लिखे हैं, इनमें हम क्या भरें, उसको समझते हैं। इसमें भरना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक आपका कहाँ आ रहा है, इस एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले कॉलम में, तो इन दोनों को डिलीट कर दो। चलिए, आपने बोला कि हमने डिलीट कर दिया, पीछे बचा क्या, 1 4 -3 और -9 बचा। आपने कहा यह तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम आगे बढ़े, इस एक के पास चले गए, इसके साथ भी वही करेंगे जो हमने इसके साथ किया। पूछा हमने ये कहाँ बैठा हुआ है, तो आपने बोला कि सर ये जो एक है, ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में बैठा हुआ है, इनको डिलीट कर दिया। पीछे बचा क्या, 2 5 -3 -9। देखिए, कभी कभी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि इस -3 को यहाँ नहीं लिखते हैं, सोचो एक बार, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट में यह जो है, इसको पहली पोजीशन पर रख देते हैं और इसको दूसरी पोजीशन पर रख देते हैं। बात यह है, जब डिटरमिनेंट में दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं फंसना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखा, यहाँ जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखा। उसके बाद -2 के पास गया तो इसको डिलीट, इसको डिलीट, पीछे बचा क्या, ये बचा 2 1 5 4, 2 1 5 4। अब तो दोस्तों है ही नहीं कुछ, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये आपका देखिए कितनी रो, 1 2 2, 1 2 कॉलम है, यानी 2 बाई 2 ऑर्डर के ये आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पर डिटरमिनेंट बन रहे हैं। तो 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है, आप जानते हैं, मैं बताऊंगा ऐसे सोल्व किया जाता है। देखिए, इनका गुणा किया जाता है, 1 गुणा -9 माइनस इनका गुणा किया जाता है, 4 गुणा
-3, बीच में क्या रहा है आपका -1, फिर इनका गुणा 2 गुणा -9 माइनस इनका गुणा 5 गुणा -3 प्लस माइनस, गणित में माइनस होता है, इनका गुणा 2 गुणा 4 माइनस इनका गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप देखिए आगे सोल्व करते हैं। 1 गुणा -9 कितना हो गया? -9। माइनस गुणा माइनस गणित में आपका प्लस होता है। 4 गुणा 3 कितना? 12। हमेशा ध्यान रखिए, गणित में चिन्हों को ध्यान रखना जरूरी है। चिन्ह गड़बड़ तो सारा मामला गड़बड़। यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। 3 गुणा 1 3। माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 गुणा 3 कितना? 3 आ गया। यहाँ से देखते हैं ये कितना हो गया, 8 माइनस 5, ये भी कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। ठीक है, 3 गुणा -2 क्या आ गया? -6। 3 प्लस 3 6 और -6 कितना आ गया? 0। यानी इस डिटरमिनेंट का आपके पास वैल्यू क्या निकला? 0। ओके, 6 माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना निकल गया? 0 निकल गया, 0 वैल्यू प्राप्त हो गया। ओके, ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें।